हमारे साथ है एक फैब मुंबई का जो रियल सेंस में एक मुंबई हीरो भी है, मिस्टर समीर जवेरी. समीर इज अ मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ अराउंड 20 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिशियल्स ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन. When he lost both his legs at the age of 18 on railway tracks, he embarked upon a journey of justice and activism. I'm sitting at his place right now, just having a very informal conversation, and just to bring to you a few pieces of that conversation. Sir, so ye accident kaise hua aur kab hua? मैं 89 में जो है मुंबई रेलवे स्टेशन जो बोरीवली है वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था. और वो एक्सीडेंट दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरे दोनों पैर चले गए, मगर ये भी था कि सिर्फ वो छोड़ के और कोई शरीर को इंजरी नहीं हुई. तो आज जो है आर्टिफिशियल नीचे चलना है फिरता है वो सब काम ही सकती था. आजकल का सिचुएशन क्या है, रेलवे एक्सीडेंट, रेलवे डेथ का, रेलवे ऑफिशियल का कैसे फंक्शन कर रहा है सर? ये मुंबई जो सबर्बन ट्रेन है उसकी कैपेसिटी है करीबन 1200 पैसेंजर को सीटिंग कैपेसिटी ट्रैवल करने की, जो माहिती अधिकार से पता चला. और पीक अवर में करीबन 5500 पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं. उसके लिए जो माहिती अधिकार से पता चला है हर साल 3500 लोगों का मुंबई सबर्बन ट्रेन में मौत होती है और कितने ही लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें करीबन ब्रेकअप करके देखे तो 2500 पैसेंजर जो है ओवर क्राउडिंग से ट्रेन से गिर गए, जिसमें करीबन 800 पैसेंजरों की मौत हुई. रेलवे के पास पैसेंजर है मतलब बिजनेस है, कस्टमर है, मगर एक गवर्नमेंट मशीनरी होने के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो फेलियर हुआ है. जो समय पे उनको जो एक्शन लेना है, ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, तो कहीं ना कहीं फेलियर है. और मेरे ख्याल से भारतीय रेल को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए. तो भारतीय रेल तो अरबों करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे, मगर उनके ऑफिसर को जब CBI पकड़ती है उनके पास तो करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचरण से कमाई संपत्ति मिलती है. कहां से आती है संपत्ति? यही ऑफिसर जो भारतीय रेल को घाटे में डाला और अपने भ्रष्ट आचरण करके अरबों खरबों रुपए कमा लिए. सर आप इतने साल से यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द सिस्टम बेटर एंड इन सम वे मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, तो आप इतने सालों के अचीवमेंट्स में ऐसे कौन से 3 अचीवमेंट है जो आपको बहुत दिल के करीब है? वो 3 अचीवमेंट मैं बताना चाहूंगा जो मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट से ही अचीवमेंट हुआ है. एक है जो सन 2014 में पूरे महाराष्ट्र में फ्री एम्बुलेंस सर्विस 937 एम्बुलेंस के साथ 108 हेल्पलाइन नंबर से इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे जो है एवरेज मुझे पता चला है कि 1.5 लाख सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र के लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है अस्पताल फ्री में. एक दूसरा जो है हर जो मेन रेलवे स्टेशन है मुंबई सबर्बन में करीबन 100 रेलवे सबर्बन स्टेशन है, उसमें आज करीबन 20 रेलवे स्टेशन जो मेन है वहां पे इमरजेंसी मेडिकल रूम में 24 ऑफ डॉक्टर. तो जो मेडिकल डिले होने से जो खून बहने से लोगों की मौतें हो रही है वो इमीडिएट फर्स्ट एड मिलकर उनकी जान बच रही है. तीसरा जो है रेलवे ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे जहां 5 करोड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में मैंने जब पाठ पुरावा किया तो 5 करोड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल में रेलवे प्रशासन लोगों को ट्रीटमेंट करा रहा है और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने से भी लोगों की जाने बच रही है. ऑल दीज ईयर्स आपका लोकल सिटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? जो रेलवे का एक्सपीरियंस रहा हो तो बहुत बुरा रहा है. उनके ऑफिसर जो रेलवे स्टाफ भी गलत करते हैं, करप्शन करते हैं या विषय में करते हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं. और जब हम सिटीजन हम कंप्लेन करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल का रिपोर्ट है कि समय से मेरी झूठी शिकायत करता है हैबिचुअल कंप्लेनर है, जबकि मैंने सब प्रूव किया मेरी इतनी शिकायत झूठी नहीं थी, सब एविडेंस के साथ थे. सर सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर अ फ्यू चेंजेस दैट नीड टू बी इंप्लीमेंटेड टू मेक मुंबई बेटर? सबसे पहले मुंबई सबर्बन जो ट्रेन सिस्टम है उसको इंडियन रेलवे से हटा करके इंडिपेंडेंट करना चाहिए और उसको प्राइवेट करना चाहिए. गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा ये ऑलवेज घाटे में जाएगी और उनके ऑफिसर जैसे महेश कुमार और संदीप चलास थे वो भ्रष्ट आचरण करके करोड़ों रुपए कमा लेंगे. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट फ्री ऑफ बिलियन? हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में बढ़े उतना बेहतर है. तो फ्री ऑफ बिलियन के टीम के साथ में मिला हूँ, जो इनिशिएटिव लिया है वो वाकई में सही है और जो हिसाब से उनका ऑब्जर्वेशन है गवर्नमेंट को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू चाहिए उसके लिए इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वेट है, एक्साइज है,
सौ का एस्टैब्लिशमेंट के टैक्सी से वेरियस वेरियस दुनिया भर के टैक्सी से जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, और जो गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है वो तो घाटे में चल रहा है। तो गवर्नमेंट को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, वो वाकई में सही है। और विश्व ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, एंड इट वॉज रियली रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग।